मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज की आप क्लास के साइंस का चैप्टर फर्स्ट रसायनिक क्रियावां ते समीकरण पढ़ांगे। तुहानू हुण तक रसायनिक क्रियावां बारे तां रसायनिक तब्दीलियां की होंदियां ने उहदे बारे तुसीं 9th क्लास दे विच पढ़ चुके हो। तो अपने कोल रसायनिक तब्दीली की होंदी है, वह तब्दीली जिस दे विच अपने कोल एक पदार्थ किसी दूसरे नवे पदार्थ दे विच बदलता, जिसके गुण और उसकी जिहड़ी अवस्था उस भी की आ जाती है तब्दीली आ जाती है। अपने कोल दो तरह दी तब्दीलियां ने, एक भौतिक ते एक रसायनिक। जिहड़ी भौतिक तब्दीली होंदी उस दे विच की है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ दे विच बदलता, उत्थे कोई नवा पदार्थ नहीं बनता पर उसकी की अवस्था चेंज हो रही है। जिवें अपने कोल की पानी है वह बर्फ दे विच चेंज हो रहा, तो बर्फ पानी दे विच चेंज हो रही है। उत्थे अपने कोल है तो पानी ना, उहदे जिहड़े गुण तो सेम ने पर उहदी जिहड़ी अवस्था की है बदल रही है। पर जिहड़े रसायनिक समीकरण करना, रसायनिक तब्दीली है, उस दे विच की हुंदा अपने कोल दुध तो दही दा बनना, तो दुध तो दही बन सकता बट दही तो दुध है जिहड़ा नहीं बन सकता, तो उहनू आपां रसायनिक तब्दीली बोल दिंदे आ। तो हुण अपने कोल इत्थे जिवें दित्तियां होईयां ने कोई तब्दीलियां वी, अपने कोल जदों दुध नूं की कमरे दे तापमान दे उपर आपां गर्मियां विच खुल्ला छड्ड दिंदे आ तो खराब हो जांदा, उहनां च तब्दीली आउंदी है। सेम लोहे दीआं चीज़ां नूं अगर आपां की हवा दे विच खुल्ला रख दईए तो उहनां नूं की है जंगाल लग जांदी है। अंगूरां दा खमीरन मीनस अंगूरां दा पक्कना अपने कोल की इक रसायनिक ही रहे, भोजन का पकना, भोजन का शरीर के पचना, जिहड़ा साले ने यह अपने कोल सारियां की ने रसायनिक क्रियावां ने। जिवें हुण इत्थे अपने कोल की है कि 1.1 दे विच की दिखाया, कहिंदे अगर अपने कोल एक मैगनीशियम रिबन लै रहे हैं, मैगनीशियम रिबन नूं जदों आपां ऑक्सीजन की मौजूदगी दे विच जलाउणे आ तो वह अपने कोल की है एक नवा पदार्थ बनता मैगनीशियम ऑक्साइड, जिहड़ा अपने कोल एक स्वाह दे रूप दे विच इत्थे आ रहा गा। तो अपने कोल की है मैगनीशियम ने किहदे नाल क्रिया की, ऑक्सीजन दे नाल क्रिया करके एक नवा पदार्थ बनाता, यह भी अपने कोल की एक रसायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। तो जदों भी अपने कोल रसायनिक प्रतिक्रिया होंदी तो उहदे च की अपने कोल तब्दीलियां आउंदियां ने हुण आपां पढ़ांगे। तो फस्ट नंबर से की कहते, जो कोई भी रसायनिक क्रिया होंगी है तो उस अपने कोल पदार्थ की अवस्था दे परिवर्तन होंदा। तो मैगनीशियम रिबन पहला अपने कोल के सॉलिड फॉर्म दे सी बट वह बाद की हो गया अपने कोल स्वाद दे बदल गया। दूसरा नंबर वो रंग दे विच भी की हैगी तब्दीली आएगी, अपने कोल की उहदे चों गैस की उत्पत्ति, गैस निकलेगी। चौथा नंबर की तापमान दे विच अपने कोल की परिवर्तन आएगा। तो जदों भी अपने कोल किसी भी पदार्थ दे विच रसायनिक तब्दीली होंदी है तो इन चारों दे विचों कोई भी अपने कोल उत्थे जिहड़ा हैगा परिवर्तन दिखाई देवेगा। उस तो बाद रसायनिक समीकरण, तो हुण इत्थे आपां गल कीती वी मैगनीशियम नूं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी दे विच जलाया तो अपने कोल मैगनीशियम ऑक्साइड बन गया। सेम आपां की कीता इत्थे, जिवें दूसरी एग्जाम्पल दित्ती है दानेदार जिंक नूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे विच पाउणे आ तां कि इत्थे हाइड्रोजन गैस अपने कोल निकलदी पई, इह वी अपने कोल इक रसायनिक प्रतिक्रिया। तो रसायनिक प्रतिक्रिया नूं शब्द रचना दे रूप विच जदों लिखदे आ तां की लिखांगे, मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन, इहदा प्लस दा मतलब कि इहनां दे विच क्रिया हो रही है, मैगनीशियम ते ऑक्सीजन की क्रिया करके की बना रहे ने मैगनीशियम ऑक्साइड। इह जिहड़ा अपने कोल एरो आ ओह की है क्रिया शो करदा वी इत्थे अपने कोल की रसायनिक क्रिया हो रही है। और अपने कोल इधर खब्बे पासे जो भी पदार्थ दिते उहनां नूं आपां अभिकारक बोलना, जो सज्जे पासे पदार्थ दिते उहनूं आपां की बोलांगा उत्पाद। तो मतलब मैगनीशियम ते ऑक्सीजन अभिकारक दोनों मिलकर एक नवा उत्पाद बना रहे, मैगनीशियम ऑक्साइड बना रहे है। तो उस तो बाद अपने कोल रसायनिक समीकरण लिखना, हुण अपने कोल रसायनिक समीकरण बनाई है, हुण उहदा फार्मूले दे रूप दे विच उहनूं लिखना। तो की है अपने कोल मैगनीशियम नूं आपां की लिखांगे एम जी, जिवें तुसीं 9th क्लास दे विच पढ़िया भी हाइड्रोजन नूं आपां एच दे नाल, ऑक्सीजन नूं आपां O2 दे नाल रीप्रजेंट करदे हां। तो इत्थे आपां मैगनीशियम नूं एम जी दे नाल रीप्रजेंट कीता, ऑक्सीजन नूं O2। तो मैगनीशियम ते ऑक्सीजन क्रिया करके की बना रहे सी, मैगनीशियम ऑक्साइड, तो उहनूं एम जी ओ दे नाल लिखता। तो यह अपने कोल उहदा की है सूत्र बन गया, उहदा फॉर्मूला बन गया। फिर अपने कोल दो तरह दी रसायनिक समीकरण होंदे, एक पिंजर होंदी है एक अपने कोल संतुलित होंदी है। तो पिंजर रसायनिक समीकरण की है, कहिंदे अपने कोल एक असंतुलित समीकरण है जिस दे विच अपने कोल दोनों पासे अभिकारक ते उत्पादां दा जिहड़ा पुंज आ की है अलग अलग होंदा, पुंज मीनस अपने कोल भार। तो इधर अपने कोल मैगनीशियम ते ऑक्सीजन दा भार, अगर अपने कोल मैगनीशियम ऑक्साइड दे नाल अलग है मीनस वक्खरा, इधर भार ज़्यादा इधर घट आ जां कुछ भी, तो उत्थे अपने कोल उहनूं की बोलांगे पिंजर रसायनिक समीकरण। तो संतुलित रसायनिक समीकरण की है, जदों अभिकारक ते उत्पाद दोनों दा भार की होएगा अपने कोल बराबर, क्योंकि आपां 9th क्लास दे विच पढ़िया वी अपने कोल रसायनिक क्रिया विच ना तां पुंज की है पैदा किया जाता तो ना ही अपने कोल क्या नष्ट किया जाता। तो जो भी अपने कोल कोई रसायनिक क्रिया होंगी है उस जिहड़े उत्पाद उपजते पैदा होंगे ने उन्होंने जिहड़े तत् होंगे ने वह अपने कोल की है उन्हों का पुंज अभिकारकों च जिन्ने तत् उन्होंने की होगा बराबर, जिहड़ा भी उत्पाद बनू उहदे जिहड़े तत्तां का भार होगा अपने कोल जिहड़े अभिकारक दे तत्तां का भार उन्होंने की होगा बराबर होगा।
तो ओहदे लई अपने कोल इत्थे इन्हां ने लैके चले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दी जदों क्रिया कराउंदे जिंक सल्फेट दे नाल तां अपने कोल की बनदा नाल हाइड्रोजन तां की कीता जिंक नूं सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल क्रिया बनाया की बने अपने कोल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ओहदा सूत्र फार्मूला लिखिया जिंक लई Zn हाइड्रोजन अपने कोल सल्फ्यूरिक एसिड लई H2SO4 जिंक सल्फेट Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन लई H2। तो हुण इत्थे आपां देखणा वी कि दोनों पासे अपने कोल जिहड़े तत् आ उहनां दी गिनती बराबर है। तो हुण इधर देखिया अपने कोल जिंक जिंक अपने कोल Zn तां जदों वी अपने कोल कोई तत् है जिहदे च दो अक्खर आ तां पहला उहदा अक्खर वड्डा होएगा दूसरे वाला की होएगा छोटा होएगा। तां जिंक अपने कोल दोनों साइड किन्ना 1 दैन हाइड्रोजन इधर भी अपने कोल H2 है इधर भी किन्ने ने 2 है। दैन उस तो बाद S इधरली साइड 1 दूसरी साइड भी किन्ना ने 1। उस तो बाद ऑक्सीजन इधर 4 है दूसरी साइड भी किन्ने ने 4। तो ए वाली जिहड़ी समीकरण अपने कोल पहला तो ही की है संतुलित है। अगर अपने कोल कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो उहनूं आपां किवें करांगे। तो कोई भी समीकरण अगर अपने कोल संतुलित नहीं है तो उहनूं संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो अपने कोल एग्जाम्पल ये है फेरिस प्लस वाटर अपने कोल क्रिया करके की बना होंदा फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हम अपने कोल जिहड़ा सब तो पहला देखना भी अपने कोल किन्ने तत् किसदे मौजूद है। तो उस तो पहला आपां की करना फर्स्ट स्टैप दे विच जिहड़े भी अपने कोल फॉर्मूलाज दित्ते उहनां दे आसे पासे आपां एक बॉक्स बना लेना। तो उस तो बाद अपने कोल इन्हां दे विच कोई भी जिहड़ा हैगा परिवर्तन नहीं करना हैगा। जे अपने कोल फेरस प्लस वाटर है प्लस 2 फेरोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है तो यह अपना एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ अपने कोल जिहड़े तत्तां दी आपां गिनती बराबर करनी है। तो दूसरे नंबर से किया आपां इन्हां दी सूची बना ली अपने कोल तत् किन्ने ने खब्बे पासे ते सज्जे पासे। सब तो पहला तत् लिया आपां फेरस खब्बे पासे किन्ना अपने कोल 1 सज्जे पासे किन्ने दिते हुए ने इहदे पैच किन्ने पाए 3 तां आपां लिख लिया 3। हाइड्रोजन किन्ने इधर 2 है इधर भी किन्ने है 2। फिर अपने कोल ऑक्सीजन खब्बे पासे 1 है सज्जे पासे किन्नियां ने 4। तो जदों भी इन्हों संतुलित करना शुरू करना आप सब तो पहला जिहड़े तत् सब तो ज़्यादा है उन्होंने तो इतने अपने को ऑक्सीजन सब तो ज़्यादा 4 है। तो की करांगे आपां 1 नूं किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए 4 बनाउण लई तां अपने कोल किन्ने नाल करांगे 4 दे नाल। तां आपां की कीता संतुलित करनी 1 नूं मल्टीप्लाई कर लिया 4 दे नाल। तां जदों भी आपां मल्टीप्लाई करना है ते स्टार्टिंग दे विच ही आपां मल्टीप्लाई उहनूं करना हैगा। तां की कीता आपां 4 ओहदे नाल की करता मल्टीप्लाई इहनूं आपां कदे भी H2O4 नहीं राइट करांगे तां H2O ब्रैकेट दे विच 4 नहीं राइट करांगे क्योंकि हुण इत्थे जिहड़ा हैगा इहनूं स्टार्टिंग दे विच आपां मल्टीप्लाई करना है। हुण इहनूं इत्थे मल्टीप्लाई कर लिया ऑक्सीजन इधर भी 4 है इधर भी 4। बट हुण जे देखिए इधर जिहड़ा हाइड्रोजन इधर किन्ने हो गए ने 8 दूसरी साइड किन्ने ने अपने कोल अजे 2 ने। तो उन्होंने बैलेंस कर ले एक साइड 8 है दूसरी साइड 2 है तो अपने कोल कितना करांगे 4 दे नाल आपां की कीता 2 नूं मल्टीप्लाई कर लिया ताकि अपने कोल दोनों साइड इक्वल हो सकन। तो इधर भी अपने कोल 4 सीगा इधर भी आपां 4 नाल मल्टीप्लाई करके हुण हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन नूं की करता बैलेंस करता है। उस तो बाद फिफ्थ नंबर ते की है जिहड़ा भी अपने कोल तत् रहिंदा हुण उहनूं तो इधर अपने कोल खब्बे पासे फेरस 1 है दूसरी साइड अपने कोल किन्ना 3 दिता होया तो आपां की कीता 1 नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई कीता तो स्टार्टिंग दे विच आपां की करता मल्टीप्लाई कीता। तो हुण सिक्स्थ स्टैप दे विच आपां देखिए तो सारे पासे अपने कोल जिहड़े भी तत् आ उह बराबर है तो आपां बॉक्स नूं की करता उहनूं इत्थों हटाता। तो अपने कोल इत्थे किन्ना 3 फेरस इधर है 3 ही इधर है इधर हाइड्रोजन 8 है इधर भी 8 है ऑक्सीजन किन्ने ने 4 इत्थे भी किन्ने ने 4 हैगे अपने कोल। दैन उस तो बाद आपां की भौतिक अवस्थावां दे संकेत लिखने आ आपां इह लिखना भी किहड़ा तत् अपने कोल किहड़ी अवस्था च ठोस दे विच आ तरल दे विच आ जां गैस। तां अपने कोल इत्थे की है जे गैस लिखना तो उहदे लई जी राइट करांगे तरल लिखना तां एल जली जली नूं की है एक्वस जली मतलब कि कोई भी अपने कोल जिहड़ा घोल आ उह जल दे विच बणाया गया पानी दे विच अगर कोई घोल आ तां उहनूं एक्वस बोलदे आ जे ठोस आ तां उहदे लई की लिखांगे एस। तां हुण जिवें अपना फेरस सी उह की सी सॉलिड सी पानी दे नाल की करदा उह गैशियस फॉर्म दे विच क्रिया करदा तां अपने कोल फेरस ऑक्साइड सॉलिड बनदा प्लस नाल हाइड्रोजन गैस है जिहड़ी उह बाहर निकलदी पई है। उस तरह अपने कोल जिहड़ियां होर एग्जाम्पल्स दित्तियां जिवें कार्बन मोनोआक्साइड गैस नूं आपां की हाइड्रोजन गैस दे नाल 340 एटमोसफेरिक प्रैशर दे उपर जे क्रिया करवाउने आ तां अपने कोल CH3OH अलकोहल बनदा पिया ल्यूकड फॉर्म दे विच। सेम अपने कोल पौधे जिहड़ा भोजन बनाउंदे सूरज दी मौजूदगी दे विच तां कार्बन डाइआक्साइड गैस यूज़ करदे एक्वस दे विच प्लस नाल की यूज़ करदे पिया वाटर यूज़ करदे तां उत्थों की ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर है जिहड़ा उत्थों प्राप्त करदे पैदा करदे। तो इस तरीके आपां की किसी भी इक्वेशन नूं बैलेंस कर सकते हैं उत्थे उहनूं नाल दस सकते हैं भी कोई एक्वस दे विच आ लिक्विड दे विच आ जां सॉलिड।